मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित आईटीआई कॉलेज के समीप सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक के भाई पुष्पेंद्र के अनुसार 20 वर्षीय सुनील मथुरा से बाइक पर सवार होकर वृंदावन अपने घर आ रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार सुनील को रौंद दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने घायल युवक को वृंदावन स्थित शौशैया अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। घायल की हालत गंभीर होने के कारण उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने थाना वृंदावन में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ तहरीर दे दी है। ये घटना ऐसी हुई है कि ये मेरा भाई मथुरा से आ रहा था और आईटीआई ये कॉलेज के सामने ट्रैक्टर ने काफ़ी रफ्तार से टक्कर मारी। और क्या नाम है आपके भाई का? और सुनील है। कितनी उम्र है उनकी? 20 साल। फिर क्या हुआ उसके बाद? वो मायावती हम पहुंचे थे, वहाँ पे मायावती से निकाल के आगरे के लिए जा रहे थे, तभी हमें बीच में मायावती में मिला था। हम उसके साथ में आगरा गए, पहुँचते पहुँचते मृत्यु हो गई। ट्रैक्टर वृंदावन से आ रहा था, ट्रैक्टर मथुरा से आ रहा था? मथुरा से। ट्रैक्टर तो वृंदावन से आ रहा था। अब आपने इसकी शिकायत पुलिस को की है? क्या जी, आपने शिकायत पुलिस को की है? हाँ जी। पूरी रात निकलेगी? पूरी रात निकलेगी। आपने इसकी शिकायत कर रही है यहाँ पे? और कोई हमारी ना रिपोर्ट लिखी ना कुछ, आप सुबह लिखिए। थाने इधर चले जाओ।